मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी है और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर कष्ट से तो शेषनाग जी ने बचा लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अचानक यमुना जी का पानी बढ़ने लगा। वसुदेव इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, इसलिए आज जब उनके स्वामी स्वयं उनके आंगन में आए हैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए यमुना जी मूर्तिमान होकर स्वयं साक्षात प्रकट हो गई। प्रभु के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। श्री कृष्ण यमुना के प्रेम भाव को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी कौतुकवश अपने चरणों को टोकरी के बाहर नहीं निकाल रहे थे। भैया मेरा भय कुछ नहीं,
संतान से है और ये तेरी आठवीं संतान है, यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। ओ हा हा, जो तुमने देखो बच्ची है घूम गए।